दोस्तों आप लोगों का सवाल है, मैसेज है, कॉल्स है कि सर बिहार पैरामेडिकल का फॉर्म कब आएगा, कब रिलीज। आप लोगों के परिवार में किसी को, छोटा भाई को या बहन का तबीयत खराब होता है ना, तो पापा या दादा बहुत परेशान हो जाते हैं कि इसको कहाँ ले जाया जाए, कहाँ ठीक कराया जाए, कहाँ से जल्दी ठीक हो जाएगी बच्ची। मई में तो नहीं आएगा, ये कन्फर्म हो जाइए, मई में नहीं आएगा, इस बार फिर लेट करेगा सर, इसकी गारंटी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने इस पैरामेडिकल के नंबर वन यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर। तो दोस्तों आज हम लोग बहुत दिनों के बाद आप सभी के बीच फेस टू फेस मैं आया हूँ, और आने का सर एक बहुत ही बड़ा रीज़न है, और वो रीज़न आप लोग ही क्रिएट किए हैं। रीज़न क्या है सर? तो रीज़न मैं बताता हूँ दोस्तों, आप लोगों का सवाल है, मैसेज है, कॉल्स है कि सर बिहार पैरामेडिकल का फॉर्म कब आएगा, कब रिलीज़ किया जाएगा, और साथ ही सर इसका एग्ज़ाम कब है ना। हम लोग को तैयारी करने में बन नहीं रहा है, किस ढंग से तैयारी करें। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग सोच रहे हैं फॉर्म कब आएगा, इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा आज, बस आपको पूरे इंट तक देखना है। अगर दोस्तों आप लोग अभी तक से हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो अभी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल करके आप लोग हमारे टोटल लर्निंग का फैमिली बन जाइए, और बहुत ही जल्द दोस्तों हमारा फैमिली 100K का होने वाला है ना, 1,00,000 की फैमिली होने वाली है, और इसका सपोर्ट जितना जल्दी आप लोग कंप्लीट करिए, है ना। दोस्तों अब हम लोग आते हैं अपने मुद्दे पे। बहुत सारे बच्चों का मन में डाउट है कि सर फॉर्म कब आएगा। देखो, अगर आप जानना चाह रहे फॉर्म कब आएगा, इससे पहले मैं आप सभी से एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि क्या आपकी तैयारी हो गई है, क्या आपकी तैयारी पूरे ढंग से हो गई है कि आप इस एग्ज़ाम में बैठेंगे और 350 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं। अगर आपका जवाब आ रहा है हाँ, तो सही बात है सर, आपका जानना अति आवश्यक है। और जिन स्टूडेंट का आ रहा है न, तो मैं उनको बताऊं कि आपका जानना अनिवार्य है बट अति अनिवार्य नहीं है, यानी बहुत ज़रूरी नहीं है। आपको अभी बहुत ज़रूरी क्या है, उस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना, बेहतर ढंग से सिलेबार ढंग से तैयारी करना, ठीक है। और दोस्तों ये सवाल का आंसर अभी कोई भी नहीं बता पाएगा, अभी कोई नहीं बता पाएगा कि आपका फॉर्म कब जारी होगा। जहाँ तक मैं बता पाऊँगा दोस्तों, आप सभी का फॉर्म मई में तो नहीं आएगा, ये कन्फर्म हो जाइए, मई में नहीं आएगा, इस बार फिर लेट करेगा सर, इसकी गारंटी आप लोग, ठीक है। क्योंकि जो लक्षण दिखा रहा है ना सर, सेम पिछले बार के जैसा लक्षण दिखा रहा है, लेकिन पिछले बार बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, सितंबर माह में इसका एग्ज़ाम हुआ था, बट दोस्तों इस बार 2022 वाले का सितंबर माह में नहीं जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखिए। जून से जुलाई में आप सभी का एग्ज़ाम आराम से कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो आपके पास कितना दिन का समय है, जून जुलाई तक, जून जुलाई तक आपके पास समय है, ठीक है, इतना ही समय है, इसके आगे नहीं जाएगा सर, इसके आगे आपका डेट एक्सटेंड नहीं होगा। और ये सर आपका इतना लेट होने का रीज़न है क्योंकि ITI का तो फॉर्म रिलीज़ कर दिया गया है, फॉर्म भरा भी गया है सर, उसका लास्ट डेट आया तो फॉर्म को डेट बढ़ा दिया गया, फॉर्म भरने का डेट बढ़ा दिया गया, 17 तारीख तक कर दिया गया, जैसा कि आप लोगों को भी पता है। तो सर आप सभी का फॉर्म कब आएगा, तो मैं बताऊं दोस्तों आप सभी को, मई के बाद ही इसका फॉर्म का कुछ आता पता होगा, लेकिन अभी मई तक आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग प्रॉपर ढंग से पढ़ते रहिए। और दोस्तों हमारी जो क्लासेज है आप सभी को डेली के शाम में 8 बजे आप सभी को प्रोवाइड होती है, और मैं दोस्तों आप सभी के लिए कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ, कुछ बड़ा, समझ में आ रहा है, कुछ बड़ा। इसी कारण से आपको केवल एक ही टाइम क्लास मिल रहा है यूट्यूब पे, नहीं तो दोस्तों मैं तो 2 से 3 टाइम आपको क्लास दूंगा, एकदम जैसे ऑफलाइन पढ़ते हैं सर, वैसा फीलिंग में लाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, जो कि अभी तक से पूरा नहीं हुआ है। मेरा पूरा टारगेट है दोस्तों कि आप सभी के एग्जामिनेशन का डेट निकलते निकलते तक वो फीलिंग यहाँ पे जनरेट हो जाए, वो फीलिंग यहाँ पे आ जाए, और आप सभी के बीच ऑफलाइन के जैसा हम पढ़ा सके, ठीक है। पूरी जा रही है कोशिश कि आप सभी के बैचेज में ही ये कोर्सेज, ये फीलिंग आ जाए, है ना, अन्यथा जो नेक्स्ट बैच वाला है उसमें तो कन्फर्म है सर, उसमें वो फीलिंग मैं ला दूंगा, एकदम गारंटेड, ठीक है। उसी में हम लोग काम कर रहे हैं, जिसके कारण आपको कभी क्लासेस मिस हो जा रही है, टेक्निकल एरर हो जा रहा है कभी कभी, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग ये वीडियो को समझ रहे होंगे बातों को, मई में तो फॉर्म आएगा नहीं, ये ध्यान रखेंगे, आएगा तो सर मई के बाद ही आएगा, है ना। तो आप लोग अभी सिलेबार ढंग से पढ़ते रहिए, चैप्टर वाइज हर एक टॉपिक करिए, ठीक है, और फॉर्म का चिंता मत करिए, फॉर्म का चिंता अब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि आप अब हमारे साथ, हमारी फैमिली का हिस्सा है ना सर, और फैमिली में जिसको दिक्कत होता है ना, उसके हेड को दिक्कत होता है,
हेड को दिक्कत होता है। जैसे आप लोगों के परिवार में किसी को छोटा भाई को या बहन का तबीयत खराब होता है ना, तो पापा या दादा बहुत परेशान हो जाते हैं कि इसको कहाँ ले जाया जाए, कहाँ ठीक कराया जाए, कहाँ से जल्दी ठीक हो जाएगी बच्ची। उसी तरीके से दोस्तों, अगर आपका परेशानी है ना, तो वो मेरा परेशानी है। मेरे को पता है कि आप सभी के अंदर उत्साह है कि सर फॉर्म आएगा, हम एग्ज़ाम देंगे, और सर टोटल लर्निंग के स्टूडेंट होते हुए यार हम लोग टॉप करेंगे, है ना। ये मुझे पता है आप लोगों के अंदर है उत्साह, और आप लोग करिएगा, उतना पोटेंशियल भी आपके अंदर है, उतना क्षमता है आपके अंदर, और टॉप करेंगे सर, और हम और आप मिल करके दोस्तों बिहार में टॉपर लिस्ट में आएंगे, ठीक है। उम्मीद है, और आप लोगों को इसी चैनल पे हर एक नोटिस बताया जाएगा, बस चैनल के साथ बने रहना है, है ना। हम लोग जेन्युइन फॉर्म में रहते हैं, 5 वीडियो नहीं बनाना है सर, एक ही वीडियो बनाना है, लेकिन स्टूडेंट को वही न्यूज़ पहुंचाना है जो सही हो। गलत न्यूज़ पहुंचाना सख्त अपराध है, मेरे ख्याल से, मेरा विचार, मेरा सोच, मेरा अंतरात्मा कहता है, ठीक है। इसीलिए उतना दिन से मैं वीडियोस नहीं बना रहा था, कोई नोटिस ही नहीं आ रहा था, सर बनाऊँ क्या वीडियो, है ना। हाँ, पढ़ाई लिखाई की वीडियोस चल रही हैं, रेगुलर क्लास हो रही है, हमारे पेड कोर्सेज में क्लास हो रही हैं। अगर आप लोग सोच रहे हैं अपना कोर्सेज स्टार्ट करना, तो आप लोग अभी प्ले स्टोर से हमारा ऐप को डाउनलोड करिए, टोटल लर्निंग ऐप है, प्ले स्टोर पर टोटल लर्निंग सर्च करिए और क्लास को ज्वाइन करिए। इधर साइड में आपको दिख रहे होंगे, आपको फैसिलिटीज़ वगैरह दिख रही होंगी, उम्मीद है आपको ये सब कोर्सेज में फैसिलिटी मिल जाएंगी, तो आप इस सब कोर्स को ज़रूर करिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा कोर्स है, आपको हर वो टॉपिक हो जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में पढ़ाया जाता है। सर बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना सर साइंस बहुत टफ आता है, साइंस सर टफ नहीं है, नीट लेवल है, समझ में आ रहा है, एक राज की बात बता रहा हूँ, नीट लेवल का साइंस है आपका। देखिए आपको क्या करना है, पैरामेडिकल का 10 ईयर लगाना है, चैप्टर वाइज पढ़ना है, नीट का थोड़ा बहुत क्वेश्चन पढ़ना है, नीट का थोड़ा बहुत मतलब ज़्यादा टफ वाला भी नहीं पढ़ना है, मीडियम लेवल का पढ़ना है, ताकि पैरामेडिकल में अगर नीट तक का ले दिया तो नीट और पैरामेडिकल के एग्ज़ाम में क्या डिफरेंस सर। तो इसीलिए थोड़ा सा लो लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। वो लो लेवल कैसे पता लगेगा मालूम है, जब आप 10 ईयर पैरामेडिकल का बना लीजिएगा ना, तो आपके माइंड में स्टैब्लिश हो जाएगा कि नहीं इस लेवल का प्रश्न आ सकता है। इसीलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं गाइडेंस का आपके लिए वीडियो भी लाता रहूँगा, आप लोग कमेंट करके बताना कि सर किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, है ना, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, किस चीज़ की तैयारी से, बुक से, मतलब किस चीज़ से रिगार्डिंग, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उस पर अगला वीडियो उसी पे लाऊँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, तो एक बार बोल देंगे सब लोग जय हिंद जय भारत।